बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल डेली जॉब इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्त वैकेंसी शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, पूरे पंजाब की तरफ से ये वैकेंसीज हैं। अब आपके शहर में वैकेंसीज आई हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, किस पोस्ट पर हैं, क्या क्वालिफिकेशन, मैं आप लोगों को आज मुकम्मल तफसील के साथ बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल वाले आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वैकेंसी या इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच सकें। दोस्तों, टैप्टा में शानदार वैकेंसीज हैं। टेक्निकल एजुकेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी में शानदार वैकेंसीज हैं। दोस्तों, हर शहर में वैकेंसीज आई हैं पूरे पंजाब के। किस पोस्ट पे हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, मैं आप लोगों को मुकम्मल तफसील के साथ बताने वाला हूं। दोस्तों, तीन एडवर्टाइजमेंट है। सबसे पहले हम मैनेजर की पोस्ट की एडवर्टाइजमेंट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इसमें दोस्तों सबसे पहली पोस्ट है डिप्टी जनरल मैनेजर। बिजनेस स्किल की ये जॉब है, एक ही सीट है और इसकी जॉब लोकेशन दोस्तों टैप्टा सेक्रेटरिएट। क्वालिफिकेशन दोस्तों इसमें MPA या फिर MBA, LLB या फिर अगर आप लोगों ने मास्टर डिग्री इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस मैथ कम्युनिकेशन में हासिल किया तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को बताता चलूं कि अगर आप लोगों ने MS या फिर MPhil डिग्री हासिल की है तो आप लोग को तरजीह दी जाएगी। दूसरे नंबर पर दोस्तों मैनेजर कॉरपोरेट, 19 स्किल की ये जॉब है, एक ही सीट है टैप्टा सेक्रेटरिएट की है। क्वालिफिकेशन दोस्तों इसमें भी सेम है, MPA या फिर MBA या फिर LLB या फिर मास्टर डिग्री इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस मैथ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट दोस्तों मैनेजर मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन, 19 स्किल की जॉब है, एक ही सीट है टैप्टा सेक्रेटरिएट की है। क्वालिफिकेशन दोस्तों इसमें MBA इन फाइनेंस या फिर इसके बराबर की डिग्री, कम अज़ कम 4 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट दोस्तों प्रिंसिपल की जॉब है, 20वां स्केल है इसका। इसमें दोस्तों एक वैकेंसी है GCT ट्रिंडा, एक वैकेंसी है GCT नारोवाल। दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन BSc इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल में या फिर सिविल या फिर मैकेनिकल में, कम से कम 10 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट दोस्तों प्रिंसिपल की जॉब है, इसमें एक सीट है दोस्तों GCTW गुजरात, GCTW सरगोधा और एक वैकेंसी है GCT लैया। क्वालिफिकेशन दोस्तों इसमें MSc होम इकोनॉमिक्स, कम से कम 10 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस या फिर अगर आप लोगों ने MA फाइन आर्ट्स डिग्री हासिल की है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों प्रिंसिपल की जॉब है, 17वां स्केल है। इसमें दोस्तों भावल नगर, अहमदपुर, कमर राजनपुर, मंडी बहाउद्दीन, दंदयाल, मियाँ चन्नू, अलीपुर, चौक सरवर, शुजाबाद, खानपुर, झंड, नूरपुर, डस्का, टोटल दोस्तों इसकी 16 वैकेंसीज हैं। और दोस्तों इन तमाम शहरों में वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन दोस्तों इसमें MSc होम इकोनॉमिक्स या फिर MA फाइन आर्ट्स या फिर अगर आप लोगों ने दोस्तों BSc होम इकोनॉमिक्स या फिर BA फाइनेंस आर्ट्स हासिल की डिग्री हासिल की है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अकाउंट ऑफिसर, 16 स्किल की जॉब है। इसमें दोस्तों टैक्सला, पिंडी भटियाँ, शंगला, गुजरात, अटक, मरी, गुजरखान, फिरोजवाला, रावलपिंडी और गुजरांवाले की वैकेंसीज हैं। टोटल दोस्तों 10 वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन दोस्तों इसमें MCOM, ICMA, इंटर, MBA। दोस्तों अप्लाई करने का तरीकाकार मैं तीनों एडवर्टाइजमेंट का एक साथ बताऊंगा। नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ चलते हैं दोस्तों। दोस्तों इसमें इन्वेंटरी क्लर्क या स्टोर कीपर की है, 6ठा स्केल है और टोटल इसकी 5 वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन दोस्तों इसमें FA या FSc, DCOM, ICOM या फिर इसके बराबर की डिग्री वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एक शंगला हिल की है, रावलपिंडी, सरगोधा, राजनपुर और गुजरात की वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट दोस्तों स्किल्ड वर्कर,
आठवां स्केल है, टोटल इसकी दो वैकेंसीज हैं। इसमें डिप्लोमा वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं या फिर मैट्रिक के साथ अगर आप लोगों का एक साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों शॉप असिस्टेंट, छठा स्केल है इसका, एक ही वैकेंसी है, मैट्रिक बेस पे है। साथ दोस्तों मैकेनिकल का सर्टिफिकेट मांगा उन्होंने। नेक्स्ट दोस्तों शॉप असिस्टेंट, छठा स्केल है, एक वैकेंसी है और इसमें मैट्रिक के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपीरियंस। ये सियालकोट की वैकेंसीज हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों ड्राइवर, चौथा स्केल है इसका, टोटल इसकी सात वैकेंसीज हैं, मिडिल बेस पे है दोस्तों, सात LTV लाइसेंस होना चाहिए। इसमें दोस्तों मुगलपुरा लाहौर गुजरात, गुजरपुरा लाहौर सेक्ट्रेट, फैसलाबाद और मुल्तान की वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट दोस्तों शॉप अटेंडेंट, इसके स्केल एक है, टोटल इसकी नौ वैकेंसीज हैं, मिडिल बेस पे है दोस्तों, एक्सपीरियंस रखने वाले को तरजीह दी जाएगी। इसमें दोस्तों मुगलपुरा लाहौर, गुलबर्ग लाहौर, टाउनशिप लाहौर, ननकाना साहब, टाउनसा, फिरोजवाला और शेखपुरा की वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट दोस्तों नायब कासद, इसका स्केल एक है, टोटल इसकी 11 वैकेंसीज हैं, मिडिल बेस पे हैं। इसमें दोस्तों रेलवे लाहौर रोड लाहौर, मुरीद के त्रिंदा मोहम्मद पन्ना, कोट अद्दू, लैया, नरोवाल, शंगला हिल, सरगोदा, सफदरबाद और शेखपुरा की वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट दोस्तों चौकीदार, इसका स्केल एक है, टोटल इसकी दोस्तों नौ वैकेंसीज हैं, मिडिल बेस पे हैं। इसमें गुलबर्ग लाहौर, तमसा शरीफ, लुटियन रोड लाहौर, मुरीद के, फिरोजवाला, शेखपुरा, मुरीद के और शांगला हिल की वैकेंसीज हैं। लास्ट पे दोस्तों स्वीपर, इसका स्केल एक है, टोटल इसकी पांच वैकेंसीज हैं, पढ़ना लिखना जानता हो और इसमें दोस्तों टाउनशिप लाहौर, ननकाना साहब, शेखपुरा, सफदाबाद और शेखपुरा की वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में वैकेंसीज हैं, मैं आप लोगों को मुकम्मल तफसील के साथ बताने वाला हूँ। अब आपके शहरों में दोस्तों वैकेंसीज आई हैं, आप लोगों को किसी दूसरे शहर में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, अपने ही शहर में आप लोगों को जॉब मिल जाएगी। इसमें दोस्तों इंस्ट्रक्टर की, यही टीचिंग की जॉब है, इंस्ट्रक्टर की है दोस्तों, 17वां स्केल है और टोटल इसकी 15 वैकेंसीज हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड की। इसमें दोस्तों जोनाबाद, कोट अड्डू, शांगला हिल, त्रिंदा, पिंडी बटियाँ, राजनपुर, पीडी खान, भीरा, भरवाल और जलालपुर की वैकेंसी है दोस्तों। क्वालिफिकेशन दोस्तों इसमें BSc इंजीनियरिंग या फिर BTech वालों को तरजीह दी जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों इंस्ट्रक्टर की सिविल में दोस्तों 11 वैकेंसीज हैं, इसमें जोराबाद, कोट अद्दू, शांगला हिल, त्रिंदा, पीडी खान, पिंडी बटियाँ, राजनपुर की वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन दोस्तों इसमें सेम है। नेक्स्ट दोस्तों मैकेनिकल की 4 वैकेंसीज हैं, 17वां स्केल है, इंस्ट्रक्टर की जॉब है, इसमें जोराबाद, त्रिंदा, मोहम्मद पना और राजनपुर की वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन दोस्तों इसमें BSc इंजीनियरिंग, BTech, क्वालिफिकेशन इसमें दोस्तों सेम है। नेक्स्ट दोस्तों केमिकल की वैकेंसीज हैं, टोटल इसकी 2 वैकेंसीज हैं, इसमें जोराबाद की वैकेंसीज हैं, इसमें भी क्वालिफिकेशन सेम है। नेक्स्ट आर्किटेक्चर की, इसकी भी 2 वैकेंसीज हैं और इसमें सरगोदा की वैकेंसी है दोस्तों। क्वालिफिकेशन इसमें दोस्तों बैचलर इन आर्किटेक्चर, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन या फिर BSc आर्किटेक्चर में। नेक्स्ट दोस्तों कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन, कसूर की ये वैकेंसी है दोस्तों, BS ऑनर बेस पे या फिर BSc इंजीनियरिंग में या फिर BTech अगर आप लोगों ने की है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टोटल इसकी 6 वैकेंसीज हैं, जिसमें दोस्तों सरगोदा, फैसलाबाद, राजनपुर, गुजरात और साहिवाल की वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन दोस्तों इसमें MCS, BCS, ऑनर्स या फिर BSc इंजीनियरिंग या फिर इसके बराबर की डिग्री। नेक्स्ट दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स, टोटल इसकी 3 वैकेंसीज हैं, इसमें दोस्तों लैया, भीरा और भवाल की वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन दोस्तों इसमें सब में सेम है, किसमें, इसमें दोस्तों BSc इंजीनियरिंग या फिर BTech,
नेक्स्ट दोस्तों ड्रेस डिजाइनिंग एंड मेकिंग, टोटल इसकी 3 वैकेंसीज हैं, सरगोधा और साहिवाल की वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन इसमें एमएससी होम इकोनॉमिक्स या फिर एमए फाइन आर्ट्स। नेक्स्ट दोस्तों इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, फैसलाबाद की ये वैकेंसी है, इसमें एमबीए एमपीए या फिर एमकॉम या फिर इसके बराबर की डिग्री रखने वालों को तरजीह दी जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों फैशन डिज़ाइनिंग, इसकी एक वैकेंसी है, फैसलाबाद की है, बैचलर इन फैशन डिज़ाइनिंग या फिर टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट दोस्तों गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, फैसलाबाद की वैकेंसी है, बीएससी इंजीनियरिंग या फिर बीएस टेक्सटाइल। नेक्स्ट दोस्तों वेविंग टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल डिज़ाइन, जितनी भी वैकेंसीज हैं दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी तक बता दी हैं, 17 स्किल की जॉब हैं, इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज हैं दोस्तों, और डिफरेंट सिटीज़ हैं जलालपुर। नेक्स्ट दोस्तों एग्रीकल्चर ऑफिसर, 17 स्किल की जॉब है, एक ही सीट है एग्रीकल्चर दोस्तों, इसमें मास्टर डिग्री रेलिवेंट सब्जेक्ट के साथ। नेक्स्ट दोस्तों चीफ इंस्ट्रक्टर, इसकी भी एक ही वैकेंसी है, 17 स्किल की जॉब है, मैकेनिकल फील्ड है, सियालकोट की ये वैकेंसी है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों केमिस्ट्री, इसमें गुजरात लैया सरगोधा त्रिंदा और नारोवाल की वैकेंसीज हैं, टोटल इसकी 5 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट दोस्तों फिजिक्स इंस्ट्रक्टर की, इसमें दोस्तों टोटल 6 वैकेंसीज हैं लेक्चरर की, गुजरात लैया सरगोधा जोराबाद नारोवाल और त्रिंदा की वैकेंसीज हैं, मास्टर डिग्री रेलिवेंट सब्जेक्ट के साथ। नेक्स्ट दोस्तों मैथमेटिक्स इंग्लिश इस्लामिक स्टडीज और मैनेजमेंट की ये वैकेंसीज हैं, डिफरेंट सिटीज में है दोस्तों, सब में दोस्तों मास्टर डिग्री रेलिवेंट सब्जेक्ट के साथ लेक्चरर की ये वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, टेक्निकल डिपार्टमेंट है मुल्तान की ये जॉब है, और इसमें क्वालिफिकेशन बीएससी इंजीनियरिंग या फिर बीटेक। नेक्स्ट दोस्तों वुड टेक्नोलॉजिस्ट, टीचिंग की ये जॉब है, गुजरात की है दोस्तों। क्वालिफिकेशन दोस्तों इसमें बीएससी डिप्लोमा के साथ। नेक्स्ट दोस्तों चीफ ट्रेड इंस्ट्रक्टर, 16 स्किल की जॉब है, एक ही सीट है, ड्रेस डिजाइनिंग एंड मेकिंग की जॉब है, फैसलाबाद में दोस्तों ये जॉब है, एमएससी होम इकोनॉमिक्स या फिर एमए फाइन आर्ट्स, चीफ इंस्ट्रक्टर की। नेक्स्ट दोस्तों जॉब है 16 स्किल की जॉब है, एक ही सीट है, ड्रेस डिजाइनिंग एंड मेकिंग जोराबाद की ये वैकेंसी है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज हैं, जिसमें दोस्तों स्किन एंड ब्यूटी थेरेपी, लेदर गारमेंट्स, शूज अपर स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री, आर्किटेक्चर डिजाइनिंग, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, सेक्रेटरी ट्रेड दोस्तों। ये जितनी भी मैंने आप लोगों को वैकेंसी बताई है, इसमें दोस्तों लाहौर कसूर गुजरांवाला गुजरपुरा लाहौर, इन सब शहरों की ये वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन दोस्तों इसमें एमएससी या फिर बीएससी या फिर इसके रेलिवेंट सब्जेक्ट में। नेक्स्ट दोस्तों सीनियर इंस्ट्रक्टर की ये वैकेंसीज हैं, 14 स्केल की ये जॉब हैं, 16 स्केल की सॉरी, इसमें दोस्तों ड्राफ्टमैन मैकेनिकल इलेक्ट्रिशियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स की ये वैकेंसीज हैं, फैशन डिज़ाइनिंग की दोस्तों इसमें मियाँ चन्नू फ़कीर वाली मोहम्मद शरीफ पसरूर फ़कीर वाली मियाँ चन्नू लोधरन सियालकोट शादबाग लाहौर राव वाली की ये वैकेंसीज हैं दोस्तों, डिफरेंट क्वालिफिकेशन है इसमें दोस्तों। इस एडवर्टाइजमेंट का दोस्तों मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, काफ़ी ज़्यादा तादाद में वैकेंसीज हैं, मैं डिटेल से आप लोगों को अगर बताऊं तो दोस्तों वीडियोस काफ़ी जो है ना लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो को शॉर्ट कट करने के लिए आप लोगों को अहम चीज़ें बताना जा रहा हूँ। नेक्स्ट दोस्तों सीनियर ट्रेड इंस्ट्रक्टर की है, इसमें दोस्तों एग्री मशीनरी फिटर जनरल वेल्डर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल की वैकेंसी है दोस्तों, सियालकोट फतेहपुर लोधरन शेखपुरा कंगनपुर और शौरकत की वैकेंसीज हैं दोस्तों।
दोस्तों इसमें डिप्लोमे के बेस पे वैकेंसीज हैं, 3 साल डिप्लोमे के बेस पे है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों डिमॉन्स्ट्रेटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है दोस्तों, स्कैलकोड की वैकेंसीज है इसमें। नेक्स्ट दोस्तों CNC ऑपरेटर 14 स्किल की जॉब है, मैकेनिकल की है दोस्तों। IST सियालकोट की वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट दोस्तों लैब टेक्नीशियन, इसमें दोस्तों कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 3 वैकेंसीज हैं, सिविल की 7 है, मैकेनिकल की भी 7 है, केमिकल की 2 है, इलेक्ट्रिकल की 7 है, फिजिक्स की 1 है, केमिस्ट्री की 1 है, DDM की 2 हैं दोस्तों। इसमें गुजरात जोरावाला, जोराबाद, नारोवाल, राजनपुर, त्रिंदा, पिंडी भटिया, नारोवाल, पीडी खान और गुजरात की वैकेंसी है दोस्तों। डिप्लोमे की बेस पे दोस्तों ये वैकेंसी, 14 स्किल की जॉब है। नेक्स्ट दोस्तों इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी हैं, इसमें फिटर की 6 वैकेंसीज हैं, ऑटो मैकेनिक की 5 हैं, HVACR की 12 वैकेंसीज हैं, कमर्शियल आर्ट्स की 3 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन की 2 वैकेंसीज हैं, ड्रेस मेकिंग की दोस्तों 4 वैकेंसीज हैं, मशीन एम्ब्रॉयडरी की दोस्तों 1 वैकेंसी है, मेटाबल की 1 वैकेंसी है, वेल्डर की 4 है, इलेक्ट्रिशियन की 3 है, मैकेनिस्ट की 8 है, सर्जिकल की 1 है, ऑटो एंड फार्म मशीनरी की 3 वैकेंसी हैं दोस्तों। इसमें सरगोधा रहीमयार खान, सियालकोट, फैसलाबाद, शेखपुरा रहीमयार खान, सियालकोट, गुजरांवाला, मुगलपुरा, गुलबर्ग, लाहौर, काफ़ी ज़्यादातर दोस्तों शहरों में वैकेंसीज हैं और दोस्तों डिप्लोमे की बेस पे वैकेंसीज हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों जूनियर इंस्ट्रक्टर 14 स्किल की ये जॉब है, इसमें केमिस्ट्री की 1 है, सिविल की 1 है, इलेक्ट्रिकल की 1 है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2 है, मोटर वेंडिंग की 1 है और मैकेनिस्ट की 1 है। इसमें दोस्तों शांगला हिल की, मियाँ चन्नू की वैकेंसी है, रावलपिंडी की और सरगोधा की वैकेंसी हैं। नेक्स्ट दोस्तों लैब इंस्ट्रक्टर, इसमें आर्किटेक्चर, ब्यूटिशियन, केमिस्ट्री, इन सब की 1 वैकेंसी है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन की 3 है, DDM की 1 है, डोमेस्टिक ट्रेलिंग की 1 है दोस्तों, फैशन डिज़ाइनिंग की 2 है, मोटरसाइकिल मैकेनिक की 1 है, इलेक्ट्रिकल की 2 है, जनरल फिटर की 1 है और HVACR की 3 वैकेंसी हैं इसमें दोस्तों। फैसलाबाद, शौरकत, बेरा, भवाल, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा, गुजरांवाला की 200 वैकेंसीज हैं और डिप्लोमे की बेस पे दोस्तों ये वैकेंसी है, डिफरेंट क्वालिफिकेशन है इसमें दोस्तों। इस एडवर्टाइजमेंट का दोस्तों मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तीनों एडवर्टाइजमेंट का, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। अब दोस्तों आप लोगों को मैं तरीकाकार बता दूँगा आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है दोस्तों। शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को टेस्ट या इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी, टेस्ट या इंटरव्यू के लिए जाने वाले उम्मीदवारों को ट्रैवल अलाउंस नहीं दिया जाएगा दोस्तों। जितनी भी वैकेंसी मैंने आप लोगों को बताई है सब की सब दोस्तों, इन सब की लास्ट डेट दोस्तों 19 जून 2020 है और जिस पोस्ट में आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं उस पोस्ट का आप लोगों ने लिफाफे के ऊपर नाम लाजमी मैंशन करना है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपनी CV, सारे टेस्ट एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज, सर्टिफिकेट्स और डोमिसाइल पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड की कॉपी और एक पासपोर्ट साइज तस्वीर की आप लोगों ने साथ कॉपी लगानी है। 19 जून इसकी लास्ट डेट है। नामुकम्मल और ताखीर से पहुँचने वाली दरख्वास्त को देर को नहीं लाया जाएगा दोस्तों। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है। आप लोगों ने टैपटा की वेबसाइट ओपन करनी है, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने करियर्स के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा टीचिंग जॉब के लिए दोस्तों, नीचे फॉर्म है और नॉन टीचिंग वैकेंसी के लिए ऊपर फॉर्म है। यहाँ से आप लोगों ने फॉर्म डाउनलोड करना है और साथ आप लोगों ने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स लगा के बाई पोस्ट भेजना है दोस्तों। अप्लाई करने की लास्ट डेट 19 जून 2020 है। तो दोस्तों ये थी वैकेंसी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, पूरे पंजाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मज़ीद वैकेंसीज और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल डेली जॉब इन्फो को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।